नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे तो संभल से खबर, जहां सपा सांसद शफीकुर रहमान पर का विवादित बयान सामने आया। बता दें, इस बयान में साफ कहा है कि गड़बड़ है कोरोना की वैक्सीन। उनकी तरफ से कहा गया है कि वैक्सीन पहली बार आ रही है, अभी ना देखा ना समझा। नॉर्वे में वैक्सीन से 30 लोगों की मौत का मामला सामने आ चुका है, इसीलिए अभी वैक्सीन ना लगवाएं। तो शफीकुर रहमान का ये बयान सामने आया है, जहां साफ कहा है कि वैक्सीन खतरनाक है, इसलिए अभी वैक्सीन ना लगवाएं। तो सरकार को टेस्टिंग के बाद ही टीकाकरण करवाना चाहिए। तमाम बयान शफीकुर रहमान की तरफ से सामने आया। संभल से खबर हम आपको बता रहे हैं, सपा सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, जिनका ये विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ है कोरोना की वैक्सीन, नॉर्वे में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वैक्सीन पहली बार आ रही है, अभी ना देखा ना समझा। तो सरकार को टेस्टिंग के बाद टीकाकरण करवाना चाहिए। तो जहां सपा की ओर से वैक्सीन को लेकर तमाम तरीके के विवादित बयान सामने आते रहते हैं, और अब एक और बयान सपा सांसद शफीकुर रहमान का ये बयान सामने आया। इससे पहले भी अगर हम बात करें सपा नेता आईपी सिंह, और अगर हम सपा अध्यक्ष की बात करें, उनका भी बयान सामने आया था। चूंकि वैक्सीन अभी पहली बार आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी हमने तो उसको न देखा न समझा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, चूँकि उलवा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इस कहीं का कोई प्रोपेगेंडा ना हो। लेकिन आदमी जान हर आदमी को प्यारी है, हर आदमी ये महसूस करता है कि अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया, खुदा न खास्ता तो गड़बड़ हो गई तो मैं मार जाऊँगा। तो इसलिए ये वैक्सीन का अभी नॉर्वे के अंदर आपने देखा कि बहुत आदमी मर गए, 23 आदमी मर गए उसमें, पर जो इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट को भी की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको टेस्टेड कराए, टेस्ट होने के बाद में ही उसका इस्तेमाल हो और सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन हो तो इसका इस्तेमाल कराया जाए। अच्छा, इससे पहले भी अखिलेश यादव जी ने भी वैक्सीन ना लगवाने को कहा है। किसने? अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन ना लगवाने के लिए बात कही है। हाँ, तो बहरहाल अगर उन्होंने भी कही है तो मैं भी इसी मिजाज का हूँ, इसी राय का हूँ कि अभी न लगवाया जाए, बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं, ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्ट आ रही। तो संभल से संवाददाता प्रदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसे जानेंगे कि आखिर सपा क्या जताना चाह रही, क्योंकि ये लगातार ऐसे बयान सपा की तरफ से आ रहे हैं, और अब सपा सांसद शफीकुर रहमान का ये बयान सामने आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आखिर सपा वाले? जी मैडम, देखिए मैडम, जैसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करा था कि वैक्सीन को ना लगवाए, उसी को लेकर सपा के सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान, उन्होंने लोगों को बताना चाहा कि वैक्सीन पर अभी भरोसा ना करें और किसी भी तरह की कोई वैक्सीन नहीं लगा इससे पहले कि देश में लगभग 34 लोगों की मौत हो चुकी है वैक्सीन से, उसी को लेकर लोगों को आश्वस्त करना चाह रहे थे कि वैक्सीन अभी ना लगवाए, वैक्सीन से कोई किसी भी तरह का भरोसा ना करें। प्रदीप, उन्होंने कहा है कि नॉर्वे में 30 लोगों की मौत हुई है वैक्सीन की वजह से, तो नॉर्वे में जो 30 लोगों की मौत हुई है उसको वो किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तो कल से ही वैक्सीनेशन शुरू है और रिजल्ट्स बेहद पॉजिटिव रहे। जी बड़ा उन्हीं को बता रहा हूँ, जैसे जिन जिन लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट थी उन्हीं को वैक्सीन से लगवाया था, जैसे कि कल भी एक कानपुर से खबर आई थी वैक्सीन लगा दी एक औरत बेहोश हो गई थी, उसी को लेकर उन्होंने ट्वीट करा था, मतलब लोगों को बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि अभी किसी भी तरह वैक्सीन पर कोई भरोसा ना करें, इसी को लेकर बताया था। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो संभल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा सांसद शफीकुर रहमान का ये विवादित बयान सामने आया है वैक्सीन को लेकर। लखनऊ से खबर है, जहां राम मंदिर निर्माण में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने दान किया है। बता दें, दान स्वरूप नंदी सेवा संस्थान की ओर से 1,25,00,000 रुपए दिए गए हैं। तो कैबिनेट मंत्री ने निधि समर्पण अभियान के कार्यक्रम में ये चेक सौंपा है। आरएसएस संघ के काशी प्रांत प्रचारक रमेश और विभाग प्रचारक कृष्ण चंद्र को ये चेक सौंपा गया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर कैबिनेट मंत्री ने निधि समर्पण अभियान को ये
कार्यक्रम में चेक सौंपा, जहां आरएसएस संघ के काशी प्रांत प्रचारक रमेश और विभाग प्रचारक ने भी चेक दिया। तो राम मंदिर निर्माण के लिए मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने यह दान दिया, 1,25,00,000 रुपए का जो चेक है वो दिया गया। लखनऊ से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, राम मंदिर निर्माण में मंत्री ने जो चेक दिया 1,25,00,000 का, ये चेक कैबिनेट मंत्री निधि समर्पण अभियान के कार्यक्रम में यह चेक सौंपा गया है। आरएसएस संघ के काशी प्रांत प्रचारक रमेश और विभाग प्रचारक कृष्ण चंद्र ने ये सौंपा है चेक। बता दें, राम मंदिर निर्माण के लिए लगातार देश भर में छोटे छोटे जो लोग हैं वो भी चंदा दे रहे हैं, और अगर हम बात करें राजनेताओं और सेलिब्रिटीज की, तो उनकी तरफ से ये दान दिया जा रहा है ताकि राम मंदिर जल्दी और अच्छे से बन सके। और खबर लखनऊ से है, जहां लोक निर्माण विभाग में बनाया गया थिंक टैंक। जी हां, डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य, जी हां, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पहल पर यह थिंक टैंक बनाया गया। पीडब्ल्यूडी के 6 सेवानिवृत्त उच्चाधिकार बने थिंक टैंक के सदस्य। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया है। तो डिप्टी सीएम ने लोक निर्माण विभाग के लिए नए लोगों का अनावरण किया है। एक खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया, जहां डिप्टी सीएम ने लोक निर्माण विभाग के लिए लोगों का अनावरण किया है। ये लोगो जिसकी तस्वीर भी हम आप दिखा रहे हैं, इस लोगों का अनावरण किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। लोक निर्माण विभाग में थिंक टैंक बनाया गया, जहां लोगों का अनावरण किया। खबर लखनऊ से है, जहां मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें, 19 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 298 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, तो 138 सहायक शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं ऑनलाइन नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे इस दौरान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री गुलाब देवी भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षकों से संवाद भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 19 जनवरी की ये तारीख जब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षकों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 19 जनवरी ये तारीख तय की गई है, जब मिशन रोजगार के तहत सहायक शिक्षकों और शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लखनऊ से ही खबर, जहां दूसरे चरण के टीकाकरण पर आज फैसला। जी हां, पहले चरण में 30% लाभार्थी अनुपस्थित रहे हैं, तो आज शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू होगा। तो शनिवार को तीसरे चरण का टीकाकरण होगा। तो दूसरे चरण के टीकाकरण के ऊपर आज फैसला होना है। बता दें, 30% पहले चरण का जो टीकाकरण हुआ है वो लोग अनुपस्थित रहे हैं। तो बैठक के बाद दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। भाई आपको बता दें, तीसरे चरण का जब टीकाकरण की हम बात करें, तो शनिवार को तीसरे चरण का टीकाकरण किया जाएगा। 30% वो लोग थे जो अनुपस्थित रहे हैं इस टीकाकरण में, पहले चरण का टीकाकरण, और 19 जिस तरीके से अगर हम बात करें इस खबर की, तो 30% वो लोग थे जो पहले चरण में लाभार्थी अनुपस्थित रहे। दूसरे चरण के टीकाकरण के लिए ये बैठक होगी, जिसके बाद ये टीकाकरण शुरू होगा। साथ ही साथ अगर तीसरे चरण के हम टीकाकरण की बात करें, शनिवार का दिन,
हापुड़ से खबर है जहां मामूली विवाद पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बता दें दबंगों ने दो युवकों को बेरहमी से पीटा है। मारपीट में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो एसपी समेत तीन थानों की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर कदम उठाया। बता दें सिटी कोतवाली के चमनी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। एसपी समेत तीन थानों की फोर्स पहुंची थी। तो मारपीट में दो युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दबंगों ने बेरहमी से इन युवकों को पीटा। तो मामूली विवाद पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। हापुड़ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद के कारण दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। मौके पर एसपी समेत तीन थानों की फोर्स पहुंची है, जहां तुरंत एक्शन लेते हुए मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। बता दें इस मारपीट में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिटी कोतवाली के चमरी का यह मामला बताया जा रहा है। उन्होंने गाली गलौज करी जी। हम बोले भैया गाली किधर हो, उन्होंने हम कह रहे एकदम पीछे से वार किया। क्या मारा था? किस जगह की घटना थी? मारने का मुझे पता नहीं, पर कुछ लोग बेटा किस जगह की घटना थी? चमड़ी में। अच्छा, अब ये सोसाइटी के पास मोमदन इलाका था हमारे यहाँ का। अच्छा, जो लड़का है उसको आप जानते हैं? नहीं सर, पहचान में कर लूंगा मैं। अगर नाम वगैरह कुछ पता हो? दुकान किसकी थी? शमसुद्दीन की मीट की दुकान है। मारपीट करने वाले कितने लोग थे? मारपीट में तीन आदमी पहले थे मौजूद, शमसू और शमसू के दो लोग। हम विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग करके आ रहे थे, कपड़े खरीद कर आ रहे थे। बिल भी हमारे पास है, कपड़े भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। वहाँ चमरी में जब एंटर करते हैं, मोमडन एरिया है, वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ होता है काफी। चिकन शॉप है, नॉन वेज शॉप है दो वहाँ पे, हमने और सामने, ठीक है। वहाँ से आ रहे थे, भाई था मेरे साथ, उसने बोला भाई थोड़ा साइड हो जा। मैं थोड़ा बाइक आगे चला गया, थोड़ा बाइक आगे करने, वो उससे लड़ने लगे कि क्यों आने भाई, तू क्या कर लेगा, गाली वाली देने लगे। तो इसने भी बोला कि भाई गाली क्यों दे रहा है, ये क्यों कर रहा है। उन्होंने जो उनका होता है बनाने का, जिससे बनाते हैं, वो उसके सिर में मारा, सिर में खून निकलने लगे उसके। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने फ़ोन किया गाँव में कि ऐसे लड़ाई हो गई है। वहाँ पे आए वो, उन लोगों ने पथराव करना स्टार्ट कर दिया। लेडीज आई, वो डंडे वगैरह लेके, सरिया लेके लेडीज आई वहाँ से, उन्होंने पथराव करना स्टार्ट किया। हम वहाँ से निकल गए। हमारे बड़ों ने, बड़े लोगों ने फ़ोन किया पुलिस को कि ऐसे ऐसे वारदात हुई है। तो देखिए, थाना हापुड़ कोतवाली नगर में चमरी मोहल्ले में रास्ते में निकलने को लेकर जगह मांगने के ऊपर दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। इसमें आरोपी पक्ष के में कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई और बाकियों के लिए टीम लगी हुई है। वादी पक्ष से तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई करी जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, चीज़ें सामान्य हैं। सर, जो आरोपी पक्ष है जो घायल है वो बता रहे हैं कि इन लोगों ने उनके ऊपर पथराव भी किया है। देखिए, पथराव जैसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। जो वादी पक्ष है इसमें एक व्यक्ति चोटे, उनका मेडिकल करा दिया गया है और पथराव जैसी कोई बात अभी जो है जांच पे नहीं आई है। बाकी अभियोग दर्ज करा जा रहा है और जो भी चीज़ें विवेचना में आएंगी उसके अनुसार जो है कार्रवाई करी जाएगी। मामला ये हुआ, ये जो मोमडनों का जो मोहल्ला है, यहाँ पे दो मीट की दुकान है। नहीं, किस जगह निवास करते हैं आप? ये चमरी निवास है, चमरी में। हाँ जी, चमरी में। तो क्या वाक्य हुआ था आज? ये हुआ था, आप लोग एकत्र हैं यहाँ पे, दो मीट की दुकान है आमने सामने, वहाँ अक्सर भीड़ लगी रहती है, मयूरी और ये दो पहिया वाहन साइकिल वाले काफ़ी भीड़ रहती है। तो हमारे दो भैया वहाँ से आ रहे थे बाइक से, तो किसी का कुछ मोटरसाइकिल खड़ी थी, उन्होंने उसे हटाने को कहा। उसने बहुत अकड़ के बोला कि अभी नहीं हटा रहे, तो इनकी कुछ मुँह भाषा और वहाँ झगड़ा बन गया। हम पे फ़ोन आया, हम वहाँ एकदम पहुँचे मौके पर। मौके पे पहुँचा तो सभी के हाथ में डंडे, ईंट और फरसे वरसे, जन क्या क्या इन्होंने पथराव कर दिया हम पे। जो हमारा भैया है शिवम चौधरी, उसका सिर फट गया है, पता नहीं फरसा मारा है, छुरा मारा है, बहुत गहरा उसका सिर फटा हुआ है। ये और हापुड़ से ही खबर है, जहां धौलाना में दबंगों का आतंक फैलता नजर आ रहा है। बता दें दबंगों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा, बेखौफ दबंगों का आतंक। तो धौलाना से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। दबंगों ने दूध बेचने वाले को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो आतंक कितना ज्यादा बढ़ गया है इन दबंगों का, जहां दूध बेचने वाले को बुरी तरह से पीटा है इन दबंगों ने, जिसको धौलाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो धौलाना में बेखौफ दबंगों का आतंक साफ देखा जा रहा है। दूध बेचने वाले को पीट पीट कर अधमरा कर दिया इन दबंगों ने। पीड़ित को धौलाना अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इलाज जारी है। बता दें पहले भी पीड़ित के बड़े भाई की हत्या हो चुकी है, पहले उस
उसके साथ एक और वारदात को अंजाम दिया गया था, जो उसके बड़े भाई की हत्या कर दी गई थी। तो अब इन दबंगों ने इस दूध बेचने वाले को बुरी तरह से पीटा है और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। हापुड़ के धौलाना से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। पीड़ित को हालांकि धौलाना अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पहले पीड़ित के बड़े भाई की हत्या की थी, ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बेखौफ दबंग जिनमें पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा, दूध बेचने वाले को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया इन दबंगों की तरफ से। हालांकि पीड़ित को धौलाना अस्पताल में भर्ती तो करा दिया गया, लेकिन पीड़ित के साथ पहले भी इस तरीके की वारदात हो चुकी है, बड़े भाई की हत्या की जा चुकी है। तो जहां एक और प्रशासन की कोशिश, सरकार की कोशिश यही कि लोगों को निडर बनाया जाए, लेकिन इस तरीके से जब दबंग सामने आते हैं और इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं, तो साफ नजर आता है कि पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ इन लोगों में नहीं रहा। चाहे कितनी ही सख्ती क्यों ना कर ली जाए, ये लोग अपना आतंक बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं। धौलाना से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। विजय शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से और क्या एक्शन लिया जा रहा है, जो दबंगों ने पीट पीट कर इस दूध वाले को अधमरा किया, अभी क्या स्थिति है इस दूध बेचने वाले की। मैडम मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये बीती रात का मामला है, ये दूधिया दूध लेके जा रहा था, तभी दबंगों ने इसे रोक के इस पे लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे इसकी स्थिति गंभीर रूप से घायल हो गया और इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है। लेकिन हालत सीरियस बनी हुई है, जबकि इससे पहले भी इनके भाई का समझे मर्डर हो चुका है, उस पर पुलिस जांच कर रही है। समझे पुलिस का ये कहना है कि सिर्फ दो लोगों में मामला छोटा सा झगड़ा हुआ है, बाकी कोई ज्यादा लोग नहीं थे। लेकिन इससे पहले भी ये लोग इनके साथ मारपीट करके और इसके भाई को मौत के घाट उतार चुके हैं। तो यही लोग थे जिन्होंने बड़े भाई की भी हत्या की थी? जी, इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ मामला है वो। तो तब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्या? तब पुलिस ने एक्शन लिया था, जो एफआईआर वगैरह करी थी इसमें गिरफ्तार करके जेल भी भेजे थे। लेकिन उसके उपरांत उसी दुश्मनी को यह आगे करते हुए इन्होंने बीती रात झगड़ा करा है। अब क्या किया जा रहा है कार्रवाई को? अब कार्रवाई पुलिस ने नाम एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है एक ही बात व्यक्ति था जिनसे वाद विवाद हो गया था, ठीक है। बाकी पुलिस का जो मामला है वो बड़ा ढुलमुल रवैया है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो नोएडा से खबर, जहां ठगी करने वाले दो होमगार्ड और सुनार गिरफ्तार कर लिए गए। बता दें नोएडा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ठगी करने वाले दो होमगार्ड और सुनार को गिरफ्तार किया गया। ठगों के कब्जे से 30 किलो चांदी की सिल्ली बरामद की गई है। तो सेक्टर 39 नोएडा पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। रोहटा रोड पर दुकान सरस्वती ज्वेलर्स से गिरफ्तार किया गया इन्हें। तो अभियुक्त विक्रांत सिंह और उमेश ड्यूटी के बाद ये वसूली किया करते थे। नोएडा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां होमगार्ड और सुनार को गिरफ्तार किया गया है। 30 किलो की चांदी की सिल्ली बरामद की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 39 नोएडा ने पुलिस में जो है इस मामले में कार्रवाई की है। दुकान सरस्वती ज्वेलर्स से गिरफ्तार किया गया है इनको। तो अभियुक्त विक्रांत सिंह और उमेश ड्यूटी के बाद वसूली किया करते थे। से होमगार्ड विभाग में नियुक्त है, लेकिन काफ़ी दिनों से एब्सेंट चल रहा था, जहाँ जिस थाने में उसकी नियुक्ति थी उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया। और उसके बाद उसने अपने एक दोस्त की सहायता से एक जो सोने चांदी का कारोबारी था उसके यहाँ से इस माल को बेचने के लिए गया था। और चूंकि उनकी डीलिंग वहाँ हो रही थी, ऑलमोस्ट डील फाइनल हो गई थी, तभी हम लोग को सूचना मिली और हम लोगों ने तीनों को वहीं मौके से गिरफ्तार किया है, जिसमें जो वो सोने चांदी का व्यापारी है वो इनका दोस्त भी है। और ये इन लोगों ने पहले से इसकी प्लानिंग भी की थी, दो तीन दिन से लगातार घटना के बाद से ही वो लोग टच में थे उनके, और उसके बाद ये वहाँ आज डिलीवर हो गया था माल। वहीं मौके से हम लोगों ने दुकानदार को, बाकी जो मौके से एक तरह से ये ठगी करने वाला जो व्यक्ति था उसको और उसके साथ जो मीडिएटर था उसको, इन तीनों व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और पूरी जो उस सिल्वर की जो स्ट्रैंड थी, जो लगभग 30 kg के आसपास की थी, इसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए के आसपास है, उसको हम लोगों ने हमारी टीम ने बरामद किया है। और इसमें एक व्यक्ति अभी एब्सकॉन्डिंग है,
जिस गाड़ी से यह घटना की गई थी KTM बाइक, उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है और बाकी जो एब्सकॉन्डर है उसको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है और बाकी जो अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है से होमगार्ड विभाग में नियुक्त है। ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। निशांत, लगातार इस तरीके के जब मामले सामने आते तो ऐसा लगता है कि प्रशासन की तरफ से जो सख्ती की जाती है वो फिजूल में जाती है। निशांत, पहले एक घटना को अंजाम दिया गया था, वहीं जो दो होमगार्ड और नहीं मिलकर एक बाइक पर जाकर पैकिंग के नाम पर ये एक गाड़ी को रोकते हैं। गाड़ी में आगरा का व्यापारी होता है और चांदी लेकर वो जाता है, तो उसने लगभग 90 किलो उसके पास चांदी होती है, 3 किली होती है चांदी, और उसके बाद उसको रोक दिया जाता है। रोकने के बाद उसको डराया धमकाया जाता है और साफ तौर पर एक ठगी लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक होमगार्ड, दो होमगार्ड ही ठगी की वारदात को अंजाम देकर एक चिल्ली लेकर वहां से 30 किलो की चिल्ली जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए होती है और वो फरार हो जाते हैं, जिसके बाद आगरा के व्यापारी जो चांदी का व्यापारी है उसने एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें चार्जशीट से लेकर चोरी के तहत FIR दर्ज की गई और उसके बाद 2 दिन बाद ये पुलिस ने इस कार्रवाई को करा है, जिसमें 2 होमगार्ड समेत एक सुनार को गिरफ्तार किया, जिसमें सुनार के द्वारा इसको डीलिंग की गई थी। और ये दोनों होमगार्ड जो है लगातार इस तरीके के विक्रांत और उमेश लगातार ड्यूटी के दौरान ये सुबह ही निकलते हैं और उसके बाद रेकी करते हैं, जो गाड़ियां जाती हैं उनसे तमाम तरीके की अवैध वसूली करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और उनको कहीं ना कहीं अपने आप को एक सरकारी कर्मचारी बताते हुए उसके अंदर दहशत पैदा कर उनको डराते धमकाते ठगी जैसी और लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया करते हैं। ये पुलिस की एक बड़ी कामयाबी रही है क्योंकि 2 दिन के अंदर इस पूरे खुलासे को पुलिस ने किया और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके साथ में एक सुनार जो जिससे इनकी प्लानिंग हुई थी, जिसको सुनार को चांदी बेची थी 30 किलो दिल्ली, उसको भी उन्होंने। तो ये सुनार जो कनेक्टेड है इन दो होमगार्डों से, ये पहले से ही कनेक्टेड रहा होगा, काफी पिछला भी इतिहास रहा होगा इनका। देखिए, इस पूरे प्रकरण में हमने पुलिस से भी बात कही क्योंकि काफी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद ये पुलिसकर्मी बनकर कुछ घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें हमने साफ तौर पर पुलिस से यही सवाल किया था कि दोनों होमगार्ड जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते थे, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यही कहना था कि ये घटना इनके द्वारा दी गई थी चांदी वाली घटना, लेकिन उससे पहले कोई इनके द्वारा कोई घटना नहीं दी गई, ये अवैध तरीके से वसूली तो करते हैं लेकिन साफ तौर पर इनको 400 के तमाम तरह से इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इनको पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद सुनार समेत इनको 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया निशान तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबर बिजनौर से है जहां जंगल में शेर की दहाड़ से ग्रामीण सहम गए। बता दें, बाघ की दहाड़ से वीडियो जो है इसका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो जो बाघ की दहाड़ का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। किसानों ने दहशत से जंगल जाना ही छोड़ दिया, तो रेंजर ने बाघ के जंगल में आने की पुष्टि की है। वन विभाग ने बाघ को पहाड़ी क्षेत्र में खदेड़ा बड़ापुर रेंज के मधुपुरी इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। सब तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किसान क्यों जंगल में नहीं जा रहे, क्यों दहशत का माहौल है। बाघ साफ नजर आ रहा है, उसकी दहाड़ जो है वीडियो उसका वायरल हो रहा है, बाघ की दहाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। और उत्तर प्रदेश विशेष में ताही देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।